हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की ऐसी पहली गैर कांग्रेस पार्टी बन गई है जो राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार का गठन करने जा रही है। इंतजार अब नई सरकार के शपथ ग्रहण का है जिसके बाद औपचारिक तौर से बीजेपी पार्टी सत्ता संभालने की घोषणा पहले ही कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। ये घोषणा हरियाणा चुनाव के लिए पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक मोहनलाल बड़ौली की ओर से की गई है। बताया जा रहा है कि ये घोषणा उन्होंने हरियाणा चुनाव के लिए दूसरे पर्यवेक्षक रहे अमित शाह के कहने पर उस वक्त की जब पार्टी के एक और दिग्गज नेता अनिल विज ने खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताना शुरू कर दिया था। सुनिए कुछ दिन पहले उनकी ओर से आया ये बयान। मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक, मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूं, जीत चुका हूं और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, परंतु इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं और अम्बाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदलूंगा। अनिल विज ने ये बयान चुनावी नतीजे आने से पहले ही दिया था जिसमें पार्टी लाइन से अलग जाते हुए उन्होंने खुद को सीएम पद के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा बताना शुरू कर दिया था। अंबाला कैंट सीट पर 7 बार जीत के झंडे गाड़ चुके अनिल विज का ये बयान सुनकर कहा जाने लगा था कि ये उनके मन की वो खीज हो सकती है जो शायद सीएम पद की उनकी चाहत को नजरअंदाज किए जाने पर इस तरह से जाहिर हो रही हो। हालांकि बीजेपी में ऐसा अक्सर कम ही देखा जाता रहा है कि कोई खुलेआम खुद के लिए इस तरह से सीएम पद के लिए सार्वजनिक बयानबाजियां करता हो। वैसे बीजेपी में इस पद की चाहत रखने वालों में अनिल विज अकेले नहीं हैं। उनके अलावा राव इंद्रजीत सिंह भी ये इच्छा अप्रत्यक्ष तौर से जाहिर करते रहे हैं। अम्बाला मिवेज और अहिरवाल बेल्ट में इंद्रजीत दोनों ही कद्दावर चेहरे हैं। अहिरवाल बेल्ट में तो राव इंद्रजीत सिंह जबरदस्त पैठ भी रखते हैं। कहा जा रहा है कि अहिरवाल की 11 में से जिन 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है वो राव इंद्रजीत का ही असर है। ऐसे में बीजेपी आलाकमान इन दोनों को फील गुड कराने की कोशिश कर सकता है। उड़ती उड़ती चर्चा ऐसे भी है कि अब की बार हरियाणा में बीजेपी एक सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम भी बना सकती है। सीएम पद के लिए राज्य के ओबीसी फेस के तौर पर नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लग चुकी है। डिप्टी सीएम पद के लिए अहिरवाल से राव इंद्रजीत सिंह के नाम पर विचार किया जा सकता है जबकि दूसरा डिप्टी सीएम पद किसी जाट फेस को दिया जा सकता है। हालांकि अनिल विज को लेकर पार्टी क्या विचार करती है वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। चर्चा है कि सीएम पद की खुले तौर से दावेदारी करने से पार्टी आलाकमान कुछ खफा भी है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या विज के ऐसे अंदाज को अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें कैबिनेट में कोई बड़ा मंत्रालय ना दिया जाए। वैसे आपको बताते चलें कि हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज के बीच मनमुटाव और खींचतान कई बार जाहिर होती रही है। मनोहर लाल खट्टर को लेकर चर्चा रही है कि वे नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के ही बेहद करीबी हैं। सीएम पद छोड़ने के बाद उन्हें केंद्र में बुला लिया गया था जबकि उन्हीं के करीबी नायब सिंह सैनी को सीएम पद सौंप दिया गया था। चर्चा है कि खुद की अनदेखी किए जाने से ही विज नाराज हैं। अब उनकी नाराजगी किसी तरह से दूर की जाती है या नहीं, इससे उन्हें लेकर पार्टी आलाकमान के मूड का अंदाजा लग पाएगा।